सर अनुज मिश्रा टाइम्स नाउ से। सर जिस दिशा पांचाल केस का जजमेंट का हवाला देकर ग्रेस मार्क दिया गया, उस जजमेंट में साफ तौर पे ये मेंशन है कि अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, फिर कैसे ये ग्रेस मार्क दिया गया, इसका क्या क्राइटेरिया था? देखो एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपेंसेट लॉस ऑफ टाइम। इस इशू को लेकर हमारी कमेटी ने रिकमेंड किया, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया। नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। थैंक यू। हाय सर, दीक्षा टीरी फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस दिस साइड। सर आई वॉन्टेड टू आस्क दैट एज यू सेड द न्यू कमेटी विल बी फॉर्म्ड एंड दे लुक इनटू इट, सो उनका रिजल्ट इफ इट इज रिवाइज देन वुड इट नॉट अफेक्ट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड एंड हैव नो इश्यूज इन दैट हु वर नॉट इन द 1600। एंड सेकेंड क्वेश्चन that the Maharashtra government has also flagged concern about the NEET issue. So what are you going to take, what is your thought on that, and how are you going to take the next step for that? The issue of the total like this committee will meet frequently and give the recommendations early, so that we will come to a conclusion in a limited time frame. Let us say like once they give recommendation in a week, so in next 2-3 days we will be able to decide, so that overall process of admission and all that will not be delayed, because I don't think it will get affected. And for the Maharashtra government, sir, that second question is still pending. The Maharashtra government and Tamil Nadu government. I have not received any thing, but if they have sent anything, we will see it. What? Sir, मेरा नाम इला काजमी और मैं इंडिया टीवी से हूँ सर, इधर। सर मेरे दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि रिव्यू करेंगे एक हफ्ते में, उसके बाद जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेगी ये कमेटी, लेकिन क्या रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, जैसे कि इन्होंने भी यही प्रश्न किया था, इसका एक बार क्लियर आंसर हमें बता दीजिए। और देखो ये जो 1600 बच्चों की समस्या है, इसको जो कमेटी देखेगी और उसके बेसिस पे जो रिकमेंडेशंस होंगी, उनका कोई दूसरा फार्मूला होगा या क्या होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे, और ज़रूरत होगी तो उनका रिजल्ट जो है रिवाइज होगा। बट कोई भी जो डिसीजन होगा, ना तो 23 लाख बच्चों के कोई डिसएडवांटेज उसमें होगा, और ना वो जो 1600 बच्चे हैं जिनका टाइम लॉस हुआ है उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा। सर मेरा दूसरा सवाल, एक और दूसरा सवाल ये था कि दूसरों को चांस दे, नहीं नहीं मैम, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर एक बार क्वेश्चन ये लास्ट है, एक बार और समझा दी कि ये ग्रेस मार्किंग का जो फॉर्मूला था सर, वो एक बार और आप मुझे समझा सकते हैं, क्योंकि ये कैसे डिसाइड किया कि किस नंबर आई थिंक देखो इट इज द फॉर्मूला जो है ये टाइम लॉस के उस पर है, सेम टाइम लॉस हुआ, लेकिन उसमें जो है कितने क्वेश्चंस किए आपने, जैसे क्वेश्चन किए आपकी ये क्वेश्चन की स्पीड है, आप करते तो आपका टाइम लॉस हुआ। कोई बच्चा है जो उससे अच्छा है या उससे कम है, वो ज़्यादा करता है कम करता है, तो ये रहता है जो उस टाइम लॉस, इतने टाइम में आपने इतने क्वेश्चन किए, उस टाइम में इतने किए, इस तरीके से वो डिपेंडेंट है। तो भाई इसी को लेके जो है हम बताया कि जो मतलब जिनके ज़्यादा हो गए उनके 720 हो गए, और जिनके सबसे कम हुए उनके रिवाइज होने के बाद भी -20 मतलब जीरो से कम हैं। तो कहने का मतलब इस स्केल का है, डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट टू कैंडिडेट देयर स्पीड एंड एवरीथिंग। गुड आफ्टरनून सर, मोहित शुक्ला, मैं मोहित शुक्ला हूँ, सीनियर करेस्पॉन्डेंट भारत एक्सप्रेस से। अपोजिशन अब ये कह रहा है कि जब 14 तारीख इसकी निर्धारित थी डेट आने के लिए, रिजल्ट आने के लिए, तो आखिरकार ये 4 तारीख को ही रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किए गए? और दूसरा एलिगेशन वो ये लगा रहे हैं, खासतौर पर बिहार कांग्रेस ने भी ये कहा कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे, उसकी आड़ में आपने गड़बड़ी को